मोजस नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, पांच फौजियों की दर्दनाक हलाकत के बाद भारतीय फौज पर एक और अजाब टूट पड़ा। कश्मीर के जिला पुंछ में भारतीय फौज पर बड़ा हमला, एक ऑफिसर समेत दो फौजी हलाक हो गए। ये हमला रात के 11 बजे हुआ, जब भारतीय फौज पुलवामा सर्च ऑपरेशन करके वापस अपने कैंप की तरफ लौट रही थी। और जैसे ही भारतीय फौज ने जिला पुंछ में कदम रखा तो उन पर बड़ा हमला हो गया। इस हमले में एक ऑफिसर समेत दो भारतीय फौजियों की मारे जाने की इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर मजलूम कश्मीरियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पिछले पांच दिनों के अंदर भारतीय फौज के सर्च ऑपरेशन के दौरान 13 कश्मीरी मुसलमान शहीद हो चुके हैं और कई जगहों पर भारतीय फौज ने कश्मीर का निजाम जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है, जिसकी बदौलत कई कश्मीरी मुसलमान भूख की वजह से बेबस हो गए। इसलिए कश्मीरी मुजाहिदीन ने अपनी तहरीक को तेज करते हुए भारतीय फौज पर हमलों में इजाफा कर दिया है और कल फिर भारतीय फौज पर पुंछ के मुकाम पर बड़ा हमला किया गया है। इस हमले में भारतीय मीडिया के मुताबिक एक ऑफिसर समेत दो फौजी मारे जा चुके हैं। ये हमला भारतीय फौज पर अंधाधुंध फायरिंग करके किया गया है और इस हमले में भारतीय फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया है, जिसमें सवार दो फौजियों समेत एक ऑफिसर जान बहक हो गया है। नाज़रीन मोहतरम, भारत के मुताबिक ये हमला उस वक्त किया गया जब भारतीय फौज पुलवामा में दहशतगर्दों का सिफाया करके वापस अपने कैंप में जा रही थी, मगर रास्ते में ही भारतीय फौज पर कश्मीरी मुजाहिदीन ने बड़ा हमला कर दिया और भारतीय फौज को संभलने से पहले ढेर कर दिया। इस हमले के मुतालिक जो न्यूज चलाई जा रही है, इसको आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलहजा कर सकते हैं कि अपने फौजियों की दर्दनाक मौत के बाद भारतीय मीडिया कैसे चीख रहा है। नाज़रीन मोहतरम, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फरी जोन को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।